hello guys good afternoon and welcome to example good afternoon everyone आज हम लोग एनवायरनमेंट के कुछ करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जैसे कि हम लोग पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ठीक है तो जो इस बार के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है आप सभी लोगों को इस सेशन को लाइक like करना है शेयर करना है और सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन करो ठीक है मैक्सिमम इसको शेयर करो आप सभी लोग गुड इवनिंग गणित कुमार गुड इवनिंग टू एवरी देखो आज हम लोग जो एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट बोल्ड ठीक है प्रोजेक्ट बोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं ठीक इसके पहले जो चीजें हैं वो आपको डिस्कस किया है मैंने तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्ट बोल्ड ठीक है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है क्यों इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट बोल्ड एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ठीक है

ट्राइबल विलेज ने एक्सरसाइज किया है जिसमें बैम्बू हाउसेस कर रहे हैं कहाँ पे ड्राउट कंडीशन जहाँ पर है जहाँ पे ड्राउट कंडीशन है यानी जहाँ पर आ, सूखे की कंडीशन बन रही है ठीक है तो जहाँ पर सूखे की कंडीशन बन रही है वहाँ पर कुछ इस तरीके से पहली बार इस टाइप से एक्सरसाइज की गई यानी प्रैक्टिस अ यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज सर्विंग द Combined national objectives of the reducing desertification and providing the livelihood and the multidisciplinary rural and rural industry support has been initiated by the Khadi and Village Industries Commission. ठीक है अब आप देखो कि इसको ये कैसे यानी जो ड्राउट रीजन्स हैं उन ड्राउट रीजन्स पे बैम्बूसिस किया जाएगा जिससे वहां पर डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल किया जाए इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो डेजर्टिफिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम ठीक है पूरे वर्ल्ड लेवल पे डेजर्टिफिकेशन एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें वो एरियाज जो डेजर्ट नहीं है वो भी डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं ठीक है तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास में और इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने स्टार्ट किया है ठीक है इसको इनिशिएट किया है प्रोजेक्ट बोल्ड विच सीक्स टू क्रिएट बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस इन द एरिड एंड द सेमी एरिड लैंड जोन यानी जो एरिड और सेमी एरिड के लैंड जोन्स होंगे उसमें आ, पैचेस यानी कुछ कुछ एरियाज में जो है बैम्बूज को लगाया जाएगा जिससे वो वहाँ पर ग्रो करें डेजल्टिफिकेशन को कंट्रोल करने में जिससे हेल्प मिले ठीक है तो ये इस प्रोजेक्ट का टारगेट है रिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट है तो जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो बोल्ड प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड और एंड दिस इज रिलेटेड टू विच ठीक है इस टाइप से आ जाएगा तो दिस इज द प्रोजेक्ट बाय द खादी एंड विलेज ग्राम कमीशन के थ्रू और ये खादी विलेज कमीशन जो है उसके थ्रू स्टार्ट किया गया साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये पैचेस रखेंगे पैचेस लगाए जाएंगे बेम्बूज के कहां पर डेजर्ट या सेमी एरिड एरिया में तो फॉर प्रिवेंशन और द टू कर्ब द डेजर्टिफिकेशन टू कंट्रोल द डेजर्टिफिकेशन ठीक तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है फिर उसके बाद में फिट फॉर फिफ्टी फाइव ठीक है फिट फॉर फिफ्टी फाइव ये क्या होता है फिट फॉर फिफ्टी फाइव क्या है तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि फिट फॉर फिफ्टी फाइव इज हैं और फिर इससे क्या सिंपल uh, so uh, सा पॉइंट जो हमसे पूछा है वर्किंग ऑन द रिविजन ऑफ इट्स क्लाइमेट एनर्जी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड लेजिस्लेशन अंडर कॉल्ड फिट फॉर फिफ्टी फाइव पैकेज ठीक है तो यू यू जो है EU मतलब यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन जो है उस अब वो क्या कर रही है अपने क्लाइमेट चेंज और एनर्जी रिवाइवल के लिए जो उसके हैं उस लेजिस्लेश को वो फिर से रिवाइज कर रही है लेजिस्लेशन यानी जो रूल्स हैं उसके पास में उसको रिवाइज कर रही है और उसी को फिट फॉर फिफ्टी पैकेज कहा जाता है इन अंडर टू अलाइन करेंट लॉज विद द ट्वेंटी थर्टी एंड ट्वेंटी फिफ्टी एम्बेशन और ये किसके लिए यानी दो हजार बीस ट्वेंटी थर्टी 2030 और 2050 तक के जो एम्बिशंस हैं उनको पाने के लिए किया जा रहा है द यूरोपियन यूनियन कमीशन प्लान फिट फॉर फिफ्टी फाइव कॉल्स फॉर इट्स ट्वेंटी सेवन मेंबर्स स्टेट्स टू कट दियर आउटपुट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज बाई फिफ्टी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है इसमें क्या किया जा रहा है कि इन्होंने यानी कुछ ट्वेंटी सेवन मेंबर्स के स्टेट्स जो हैं वो क्या करेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को रिड्यूस करेंगे फिफ्टी फाइव परसेंट तक कब तक

यू ई यू हैज सेट इट से आपको बताया था कार्बन न्यूट्रलिटी को ट्वेंटी फिफ्टी तक अचीव करने के लिए एक रिपोर्ट है तो ई यू जो है यानी यूरोपियन यूनियन वो अपने आप को बाइंड कर रहा है कि हम ट्वेंटी फिफ्टी तक क्या करेंगे अपना जो कार्बन न्यूट्रालिटी का गोल है उस गोल को अचीव कर लेंगे ठीक है तो आ, कार्बन न्यूट्रलिटी का गोल 2050 फिफ्टी तक अचीव करने के लिए ये कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड है फिट फॉर फिफ्टी फाइव ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आ सकता है कि फिट फॉर फिफ्टी फाइव किससे रिलेटेड है ओके दिस रिक्वायर्स करंट ग्रीन हाउस गैस एमिशन लेवल्स टू ड्रॉप सस्टेनेबली इन द नेक्स्ट डिकेट्स as an intermediate step towards the climate neutrality the eu has raised its 2030 climate ambition coming to cutting emission by at least 55% 2030 ठीक है तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपको 2050 तक मैंने आपको ये भी रिपोर्ट पढ़ाई हुई है कि अगर आपको 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है तो आपको ड्रास्टिक लेवल पे चेंज करना पड़ेगा ड्रास्टिक कमी जो है वो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे और साथ ही साथ में ट्वेंटी थर्टी तक अगर आप हाफ से मोर देन हाफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड के या ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कंट्रोल कर ले जाते हो तब तो आने वाले 20 साल में यानी 2030 के बाद में जो 20 साल होंगे उसमें आप कार्बन न्यूट्रलिटी को गेन कर पाओगे अदरवाइज नहीं कर पाओगे तो इन लोगों का क्या कहना है कि 2030 तक हम लोग 55 परसेंट रिडक्शन करेंगे वजन में और जाकर के 2050 तक हम लोग कंप्लीटली क्या हो जाएंगे कार्बन न्यूट्रल कंट्री या कार्बन न्यूट्रल एरिया हो जाएंगे तो कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आपको रिडक्शन अभी करना पड़ेगा किसी को भी करना पड़ेगा किसी भी एरिया में वर्ल्ड लेवल पे अगर आपको 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना है तो कार्बन न्यूट्रल होने के लिए आपको 2030 तक हाफ जो है एमिशन को रिड्यूस या कंट्रोल करना पड़ेगा क्लियर अब उसके बाद में हम लोग एक देखते हैं अर्थ ओवरशूट डे ठीक है अर्थ ओवरशूट डे जो है ये क्या है कब कहां कहां पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है इसको हम लोग देखेंगे यहां पर ठीक है तो कंट्री ओवरशूट डेज 2021 व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव लाइक ठीक है तो इसको हम लोग ये अभी डायग्राम है पहले इससे रिलेटेड कुछ चीजों को देख लेते हैं फिर इस डायग्राम को समझेंगे देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका क्यों ये हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ ओवर शूट डे क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको आप देखो यहाँ पे अर्थ ओवर शूट डे द जुलाई 29 ठीक है यानी कौन किसने कहा वर्ल्ड वाइड फंड फॉर द

वो सब हमने यूज कर लिया ठीक है तो आज अभी हम लोग आगे नहीं बढ़े बल्कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी पिछले तो 2019 का जो 29 का जुलाई था उसी डेट में ही हम लोग अभी एग्जिस्ट करते हैं वट इज द अर्थ ओवर शूट डे का मतलब क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं अर्थ ओवर शूट डे मार्क्स द डेट वेन द ह्यूमैनिटीज डिमांड फॉर इकोलॉजिकल रिसोर्स एंड सर्विसेज इन गिवन ईयर एक्सीड वाट अर्थ कैन रीजनरेट इन दैट ईयर ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो रीजनरेट करती है रिसोर्सेज को हमारी डिमांड ज्यादा है ठीक है हम अगर डिमांड ज्यादा करते हैं रीजनरेशन का रेट कम है तो ऐसी कंडीशन में हमारे हम लोग क्या कर रहे हैं यानी ओवर एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं तो अर्थ ओवर जो होता है इसका मतलब हुआ कि हम कितना बर्डन क्रिएट कर रहे हैं अर्थ के ऊपर अर्थ के ऊपर कितना ज्यादा रिसोर्सेज का बर्डन क्रिएट कर रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना है ठीक है ये पूछा इसका मतलब क्या होता है ठीक है तो ये मार्क करता है उस डेट को जब ह्यूमैनिटी जो है ठीक है जब अर्थ के द्वारा रीजनरेशन से ज्यादा गेन कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं तो उस डेट को हम लोग करते हैं द डेफिसिट इज मेंटेन्ड बाय द लिक्विडेटिंग स्टॉक्स ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्स एंड एक्यूमलेटिंग वेस्ट प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर ठीक है और ये जो एक्स्ट्रा होता है यानी जो डेफिसिट है इसको कंपनशेट किया जाता है और उसी के लेवल पे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता है पॉल्यूशन आता है ठीक है अर्थ ओवरशूट डे इज होस्टेड एंड कैलकुलेटेड बाय द ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क यानी जो अर्थ ओवरशूट डे होता है ये किसके द्वारा किया जाता है ग्लोबल फ्रूट फूड नेटवर्क जो है ये इसको होस्ट करता है और इसका कैलकुलेशन करता है An international research organization, this is the an international research organization that provides decision makers with the menu of the tools to help the human economy operate with the India's ecological limit. Okay? So, this is the contradiction between the economical development and the uh, ecological development. इकोलॉजिकल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में अगर आप देखो तो हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में जिस रेट से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं उस रेट से अगर हम लोग करते रहेंगे तो हम बहुत ज्यादा एक्सप्लाइट कर ले जाएंगे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लाइट कर लेंगे हमारे ओवर अर्थ पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज का तो हम जो रिसोर्सेज का यूज करते हैं तो एक तरफ तो हम इकोनॉमिकली इसको यूज़ करते हैं अर्थ पर इस टाइप के मैकेनिज़्म होते हैं जिसमें वो रिसर्स को रीजनरेट करने का काम करते हैं अगर हमारे यूज़ यूटिलाइजेशन और उसके रीजनरेशन का रेट इक्वल होता है तो हमारे अर्थ पे कोई भी चेंजेस या कोई भी ड्रॉबैक नहीं दिखाई पड़ती हमारे डेवलपमेंट का कोई ड्रॉबैक नहीं होता और हम सस्टेनेबली डेवलप करते रहते हैं लेकिन अगर हमारे एक्सप्ल्टेसन का रेट ज़्यादा है और अर्थ का रीजनरेशन रेट कम है तो ऐसे में हम ओवर एक्सप्लाटेशन करते हैं और जब ओवर एक्सप्लाटेशन करते हैं तो रीजनरेशन रेट कम होता है पॉल्यूशन वगैरह इंक्रीज़ होने लगते हैं अर्थ पर इम्बैलेंसेज होने लगते हैं और वो इम्बैलेंसेज जो होते हैं वो अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट डालते हैं और उस एडवर्स इम्पैक्ट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है सभी ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ़ ह्यूमन बींग को नहीं सभी ऑर्गेनिजम्स को तो जितना जनरेशन हो रहा है उतना ही यूटिलाइजेशन होना चाहिए अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है तो ऐसे में आप कुछ ना कुछ ऐसे डिकम्पोज करोगे जो नहीं होना चाहिए तो आपको ध्यान रखना जैसे कोल है कोल अगर पड़ा हुआ है ठीक है उतना यूज कर लो जितना रिजनरेट हो जा रहा है तो हम तो, तो बैलेंस रहेगा हमने ओवर उठाया और बहुत ज्यादा एक्सप्लाइट कर लिया बहुत ज्यादा यूज कर लिया तो कोल का जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या किया रिलीज किया रिलीज किया उसके प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुए उसके जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज है आपको ध्यान रखना है तो इकोलॉजिकल लिमिट तक ही हमें क्या करना चाहिए हमें यूटिलाइजेशन करना चाहिए रिसोर्सेज का टू डिटरमाइन द डेट ऑफ अर्थ ओवर शूट डे फॉर ईच ईयर ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ दैट ईयर दैट अर्थ बायो कैपेसिटी सफिसोवाइड फॉर ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट द रिमाइंडर ऑफ ईयर करेस्पॉन्डेड टू द ग्लोबल ओवर शूट डे तो देखो ये कैसे निकाला जाता है अर्थ ओवर अर्थ की बायो कैपेसिटी या ओवर शूट डे कैसे निकालते हैं तो अर्थ की जो बायो कैपेसिटी होती है उसको अगर आप ह्यूमन की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से यानी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब जितना यूटिलाइजेशन कर रहा है ठीक है उससे अगर आप डिवाइड करके और 365 से मल्टीप्लाई कर दो तो अर्थ ओवर शूट डे निकल जाएगा जो रिमाइंडर होगा वही जो डेट होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द अर्थ ओवर शूट डे ठीक है तो इस बार क्या हुई ट्वेंटी जुलाई द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ ओवर शूट डे वॉज फर्स्ट कंसीव्ड बाय द एंड्रू सिम्स ठीक है यानी इस अर्थ ओवर शूट डे का जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे पहली बार किसने लिया एंड्रू सिम्स ने जो कि यूके के रहने वाले थे ऑफ द यूके थिंक टैंक ठीक है यूके के थिंक टैंक है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन यूके की एक थिंक uh, टैंक है जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन तो न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन के एक मेंबर थे मिस्टर एंड्रू सिम्स इन्होंने सबसे पहली बार अर्थ ओवरशूट के कॉन्सेप्ट को बताया ठीक है तो अर्थ ओवरशूट के कॉन्सेप्ट को विच पार्टनर्ड विद द ग्लोबल फुटप्रिट नेटवर्क इन टू थाउजेंड सिक्स टू लॉन्च द फर्स्ट ग्लोबल अर्थ ओवर शूट डे कम्पेन कैंपेन सबसे पहली बार टू थाउजेंड सिक्स में अर्थ ओवर शूट डे का कैंपेनिंग स्टार्ट हुई टू थाउजेंड सिक्स में कॉन्सेप्ट लाए और टू थाउजेंड सेवन से कैंपेनिंग इन्होंने स्टार्ट किया तो अर्थ ओवर शूट डे फर्स्ट टाइम जो है वो स्टार्ट कब किया गया टू थाउजेंड सेवन से ठीक है डब्ल्यू डब्लू एफ पार्टिसिपेटेड इन अर्थ ओवर शूट डे सिंस टू थाउजेंड सेवन ठीक है और फिर डब्लू ने भी पार्टिसिपेशन किया टू से तो से कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई 2006 से डब्ल्यू ने पार्टिसिपेट किया 2007 से ठीक है और अर्थ ओवर शूट डे का ये कुछ तरी, इस तरीके से हम लोग इसको रिलीज करते हैं इसमें अर्थ के जो रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज पर कितना ज्यादा बर्डन पड़ रहा है उसको हम लोग कर, जो है कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो अर्थ ओवर शूट डे के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि अगर आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे सको ओके okay. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जीनोम ऑफ द सॉल्ट सिक्रेटिंग मैंग्रोव स्पीसीज ठीक है यानी जो मैंग्रोव स्पीसीज होते हैं मैंग्रोव स्पीसीज कौन स्पीसीज होते हैं जो सलाइन वाटर में होते हैं कोस्टल पार्ट पे यानी जो समुद्र वाले क्षेत्र में होते हैं कोस्टल पार्ट पे वो मैंग्रोव स्पीसीज होते हैं हमारे यहाँ पे अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या है इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है क्यों इसको हम लोग देख रहे हैं और कौन से मैंग्रोव स्पीसीज हमारे लिए इस बार के लिए इंपॉर्टेंट होंगे तो मैंग्रोव स्पीसीज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं ठीक है मैंग्रोव जो है एक एकोटोन uh, का एग्जाम्पल होते हैं और साथ ही साथ में हमें कोस्टल पार्ट पे uh, जो हमारे साइक्लोन्स वगैरह होते हैं जो उष्णिक वेव्स होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ये एक बड़े कोस्टल रीजन में कोस्टल रीजन में हैबिटेट भी प्रोवाइड करते हैं इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम uh, होते हैं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैंग्रोव्स तो देखो साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ रेफरेंस ग्रेड होल जीनोम सीक्वेंस ऑफ हाईली सॉल्ट टॉलरेंट टोलरेंट एंड सॉल्ट सेक्रेटिंग ट्रू मैंग्रोव स्पीशीज कॉल्ड द अविसिनिया मरीना ठीक है तो मैंग्रोव की एक स्पीशीज है जिसका नाम क्या है अविसिनिया ये स्पीसीज क्या है जो सॉल्ट का सिक्रेशन करती है यानी सॉल्ट का सिक्रेशन करती है और साथ ही साथ में ये सॉल्ट टॉलरेंट है सॉल्ट टॉलरेंट का मतलब सॉल्ट वाले रीजन में ये सर्वाइव करते हैं टॉलरेंट हैं उसके ठीक है तो ये एक स्पीसीज है ये भी आपको ध्यान रखना है ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा लेकिन ये पूछा सकता है कि एवेसिनिया मैरिना वॉज इन द न्यूज वॉट इज दिस इट इज द टाइप और द इट इज द स्पिस ऑफ द मैंग्रोव इट इज द स्पीसीज ऑफ एनी बर्ड इट इज द स्पीसीज ऑफ एनी टाइगर इस टाइप से करके क्वेश्चन आपसे या इट इज द टाइप ऑफ द डिजीज फाउंड इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ठीक इस टाइप से कर करके चार ऑप्शन दे दिया जाएगा तो ध्यान रखना कि अविशीनिया मैरिना इज द टाइप ऑफ द इज द स्पीसीज ऑफ द मैंग्रोव ठीक है और ये क्या है सॉल्ट टॉलेंट और सॉल्ट सिक्रेटिंग है और इसका ये क्यों है क्योंकि इसका पूरा जीनोम सिक्वेंसिंग की गई है यानी पूरा जो है वो इट इज वन ऑफ द मोस्ट फाउंड इन इंडिया ठीक है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया में पाई जाती है इट इज सॉल्ट सिक्रेटिंग एंड द एक्सट्रा ऑर्डिनरी सोल्ट टॉलेंट मैंग्रोव स्पीसीज दैट ग्रोस सी वाटर टॉल मोर देन 250% परसेंट सी वाटर ठीक है तो आप देखो कि इसका टॉलरेंस जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है ठीक है इट इज अमंग द रेयर प्लांट स्पीसीज विच इज विच कैन एक्सट्रीट एक्सक्रीट फोर्टी परसेंट ऑफ द सॉल्ट थ्रू द सॉल्ट ग्लैंड इन दिस लीव्स तो आप सोचो कि एक ऐसा प्लांट है जो इस सॉल्ट ट्री में इसके लीप्स में सॉल्ट ग्लैंड होती है वहां से ये सॉल्ट का सिक्रेशंस करते हैं ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट फिनमिना है ये आपको ध्यान रखना है बिसाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेसिटी टू एक्सक्लूड सॉल्ट एंट्री टू द रूट्स ठीक है तो ये सॉल्ट के एंट्री करते हैं और साथ में साथ में रूट्स के थ्रू भी ये क्या करते हैं सॉल्ट को एक्सक्रीट करते हैं यानी बाहर निकालते हैं एक्सक्रीशन करते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है तो इतना ही आपको यहाँ पे इतना ही से काम चल जाएगा कि एविसिनिया मरीना क्या है तो एविसिनिया मरीना जो है इज द टाइप ऑफ द मैंग्रोव स्पीशीज नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है एक अफ्रीकन कैटफिश है इस अफ्रीकन कैटफिश को आप देखो कि न्यूज़ में है ठीक है अफ्रीकन कैटफिश जो है इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में है तो कुछ और इस टाइप से जो एनिमल्स होते हैं उनसे भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है द बैंड अफ्रीकन कैटफिश इनवे स्पीसीज इज इलीगली रेयर्ड एंड द सोल्ड इन केरला एंड तमिलनाडु ठीक है तो ये जो कैटफिश uh, है यानी अफ्रीकन कैटफिश जिसको इंडिया में वैन किया गया है ठीक है तो इस कैटफिश को अगर देखा जाए तो इलीगल तरीके से केरला और तमिलनाडु में इसको बेचा जा रहा है ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट uh, uh, ये एक बहुत बड़ी uh, एक तरीके से चोरी हो सकती है क्योंकि ये इन्वेजिव स्पीसीज है इन्वेजिव स्पीसीज मैंने बताया कि जो किसी बाहरी जगह से आकर के किसी एरिया में आते हैं और वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेते हैं और वहां के जो नेटिव स्पीसीज होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं तो इन्वेजन करते हैं ये इन्वेजिव तरीका ठीक है फैक्टरिंग इन द हेल्थ एनवायरमेंटल एनवायमेंटल पोस्ट बाय द अफ्रीकन कैटपिस ठीक है ये क्या करता है हेल्थ और एनवायरमेंटल क्रिएट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूड बैन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 में इस पर बैन कर दिया था ठीक है बैन ऑन द कैट फिशिंग ब्रीडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड द सेल यानी 2000 में इस पे बैन किया गया इसके ब्रीडिंग पे बैन किया गया इसके ट्रांसपोर्टेशन पे बैन किया गया और इसके सेल पे बैन किया 2000 में उसके बावजूद भी लोग जो है लाके इसको बेच रहे हैं द फिश वेराइटी हैज द केरला ये जो फिश वटी है इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी कहाँ पर केरला के, के रीजन में वेरासिडली कॉर्नि फिश वॉज पोजिंग थ्रेट टू द एंडजनस फिश वेराइटीज और ये क्या है कॉर्निवरस फिश है और ये कॉर्निवोरस फिश जो यहाँ के लोकल फिश हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ठीक है तो ये जो कैट फिश है अफ्रीकन कैट फिश ये इन्वेजिव कैटफिश है और इस इन्वेजिव कैटफिश की वजह से यहाँ के जो लोकल कैटफिश हैं यहाँ पर जो नेचुरली पाई जाती हैं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और ये कॉर्नि यानी उनको खा जाती है ठीक है तो एक प्रॉब्लम है ये तो इन्वाजिव स्पीज जब भी आएंगे तो ध्यान रखना इन्वेजिव स्पीसीज जो भी होंगी वो उस पर्टिकुलर प्लेस की नहीं होती है ठीक है किसी बाहर जगह से आती हैं और वहां पर जो नेटिव प्लेसेस पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ के जो रिसोर्सेज होते हैं उस रिसोर्सेज को कैप्चर करने लगती हैं और जब कैप्चर करने लगेंगी तो यहाँ का इकोसिस्टम गड़बड़ होने लगता है ठीक है डैमेज होने लगता है तो वहां का जो इकोसिस्टम है उसको प्रॉब्लम होती है तो कई बार एलियन इन्वेजिव स्पीसीज उस रिस् जो होती हैं वो निगेटिव सेंस में हमेशा क्या होती है निगेटिव सेंस में ले जाता है ठीक है तो इन्वेजिव स्पीसीज हमेशा जो है वो लॉस यानी मोस्ट ऑफ टाइम ये निगेटिव ही होती है ठीक है तो ये चीज आपको सम, समझना है यहाँ पे तो इस स्पीसीज को ध्यान रखना अफ्रीकन कैटफिश ठीक है इट इज द टाइप ऑफ द कैटफिश जो कि न्यूज में क्यों है क्योंकि अभी माइक्रोस्कोपिक जो प्लैक्टन्स ठीक है, है. तो ये उन्हीं को खा लेती हैं बल्कि माइक्रोस्कोपिक जो प्लैक्टन्स को नहीं खाती बल्कि uh, जो छोटी छोटी मछलियां होती हैं उन्हीं को खाना स्टार्ट कर देती हैं और ये बेसिकली कहां पर होती है अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के नेटिव है ये इंडिया के इस रीजन के नेटिव नहीं है तो ध्यान रखना है इसीलिए इनको इन्वेसिव स्पीसी कहते हैं और एंड हर्बर सिवर सिस्टम द अफ्रीकन कैटफिश वॉज इंट्रोड्यूस ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द दर्ली नाइनटीन एटीज फॉर द एक्वाकल्चर तो देखो पहले हमने इसको फैलाया है नाइनटीन एटीज में एक्वाकल्चर के लिए पूरे वर्ल्ड में इनको पहले जो है भेजा गया है क्योंकि ग्रोथ बहुत तेजी से होती है जैसे हमने यूकेलिप्टस को पहले लगा दिया बाद में उसका रिजल्ट आया ठीक है तो वैसे इनका भी पहले इसको लगा दिया फिर पहले इसको एक्वाकल्चर में इसको प्रमोट किया प्रमोशन के बाद में इनकी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई ठीक है इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव इन द सैलो मड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम हाई टॉलरेंस फॉर द पोअरली ऑक्सीडेटेड वाटर एंड फास्ट ब्रीडिंग विथ एच ओवर द अदर नेटिव स्पीसीज अब इसकी खास बात क्या है कि ये कम पानी में मडी ऑयल वाटर में भी ये रह सकती हैं यानी कीचड़ वाला जो क्षेत्र है उसमें भी रह लेती हैं नॉर्मल फिशेज जो है वो कीचड़ में नहीं रह पाती ठीक है इनका हाई टॉलरेंस होता है अगर लो ऑक्सीजन है वाटर में तो भी वहां पर सर्वाइव कर लेंगी इनकी ब्रीडिंग बहुत तेजी से होती है बहुत तेजी से बढ़ते हैं और जब यह सब होता है तो इसलिए ये अदर जो स्पीशीज होती हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं इनलैंड फिशेस फिशर्स प्रेफर कैटफिश एज दे ग्रो फास्टर एंड फिस्ट द गुड प्राइस और जो मछुआरे होते हैं जो फिशरमैन होते हैं उनको क्या लगता है यार इतनी एडवर्स कंडीशन में भी हो जाती है बहुत तेजी से बढ़ती है इनका साइज भी बड़ा होता है तो इनको वेट होता है तो जो मछुआरे होते हैं उनको तो इकोलॉजिकली लॉस से कोई मतलब नहीं है उनको अपना प्रॉफिट दिखाई पड़ता है तो वो लोग इनको जो है सेल करते हैं इनलैंड रीजन में मेनी ऑफ द फार्मर्स यूज चिकन वेस्ट एज फीड पॉलिटिंग वाटर सोर्स एंड द एनवायरमेंट ठीक है तो ये कई बार क्या करते हैं कि जो चिकन वेस्टेज होते हैं जैसे आप चिकन वगैरह को कट करते हैं लोग तो उनके जो वेस्टेज होते हैं उसको ले लेके मछलियों को खिला देते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो होती है ठीक है एक्सपर्ट्स फील दैट द बैन वुड एक्सपर्ट्स को क्या लगता है कि बैन करने से कोई मतलब नहीं है पहले तो आप जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उन्हीं को खत्म कर दो यानी इसको कैटफिश को अफ्रीकन कैटफिश को सभी कैटफिश का स्टॉक खत्म कर दो रह ही ना जाए ठीक है तो जब रह नहीं जाएगी तो फिर आगे ग्रोथ ही कैसे होगी तो इनको खत्म कर देना चाहिए ठीक है तो कई बार कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिनको मारने की भी जरूरत पड़ती है उनको खत्म करने की भी जरूरत पड़ती है ठीक है दूसरा एक इंपॉर्टेंट एनिमल जो कि न्यूज में है वो है कराकल कैट ठीक है तो आपने एक देखा क्या अफ्रीकन कैटफिश दूसरा कराकल कैट ठीक है अब इसका क्या है कॉन्टेक्स्ट क्या है तो कराकल पुट ऑन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट अंडर द इंडियन लिस्ट ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ठीक है तो इंडिया की जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट है उसमें इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया इसलिए एक इंपॉर्टेंट है इस बार ठीक है एग्जाम के लिए ट फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर of स्पॉन्सर्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द पैसा मिलता है वो कहां से मिलता है ये इस संस्था के द्वारा यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटार्ट आई डी डब्ल्यू एच के थ्रू और इसको पैसा कहां से मिलता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है नाउ टोटल ट्वेंटी टू वाइल्ड लाइफ स्पीसीज आर अंडर रिकवरी प्रोग्राम फॉर द क्रिटिकली एंड स्पीसीज अभी प्रेजेंट टाइम में जो है

के रेड रेड लिस्ट 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 में में ये कंसर्न कंसर्न है IUCN में red, है ध्यान रखना बट इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो आयु पूरे ग्लोबल लेवल पे देखता है तो ग्लोबल लेवल पे अफ्रीका में बहुत पाई जाती है तो ग्लोबल लेवल में अगर देखा जाए तो अफ्रीका में इनका नंबर ज्यादा है इसलिए IUCN की कैटेगरी में ये क्या है लिस्ट uh, कंसर्न है बट इंडिया की कैटेगरी में इंडिया की जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है उसमें ये उसमेंजर्ड है यानी इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और आयु में क्रिटिकली एंडेंजर नहीं है तो ध्यान रखना आयु में नहीं है बल्कि इंडिया में ये दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस कैट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अफ्रीकन एलिफेंट्स के बारे में ठीक है अफ्रीका फॉरेस्ट एंड सवाना एलिफेंट्स आर नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड एंडेंजर्ड ड्यू टू पॉपुलेशन डिक्लाइंस कॉज्ड प्राइमरली बाई पोचिंग एंड हैबिटाट लॉस ठीक है अफ्रीका की जो फॉरेस्ट और एलिफेंट है उसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है ठीक है अफ्रीका की फॉरेस्ट एलिफेंट और सवाना एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया अफ्रीका फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है हम लोग एशियन एलिफेंट्स के बारे में देखे थे अब यहां पर देखते हैं इन दोनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है तो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट एक साइड है और दूसरी साइड अफ्रीकन सवाना एलिफेंट ठीक है यानी एक साइड में आपको अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट है इस साइड में और दूसरे साइड में है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट अब इसमें देखो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर रखना आयुशियन की रेड लिस्ट में अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट को क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है यानी क्या रखा गया है इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और आयु की रेड लिस्ट में अफ्रीकन सवाना एलिफेंट को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है यानी किसमें ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये वाली जो है वो एंडेंजर्ड है ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना ये एंडेंजर्ड है और ये क्रिटिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड 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 है एंड ठीक है इनका हैबिटेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका इन अ रेंज ऑफ हैबिटेट इन द वेस्ट अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के रीजन में पाई जाती है ये ठीक है ये वाली जो है ये सब सहारन अफ्रीका का जो रीजन है वहां पे पाई जाती है जिसमें ग्रासलैंड रीजन में या डेजर्ट वाले एरिया में पाई जाती है तो ये सवाना है सवाना मतलब आप देख रहे हो कि सवाना का मतलब क्या होता है सवाना ग्रासलैंड रीजन होता है तो इन दोनों में डिफरेंसेस देख लो फिर हम लोग एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस देखेंगे दोनों में इनका पोचिंग हो रहा है लैंड जो चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से ये जो है इनकी संख्या कम होती जा रही है ठीक है तो अफ्रीकन ये एलिफेंट्स को देखो अफ्रीकन एलिफेंट्स जो है पहले इसको हम लोग कैसे रखते थे अर्लियर अफ्रीकन एलिफेंट्स की जो कैटेगरी थी वो वल्नरेबल थी ठीक है अब क्या हो गई वल्नरेबल से हटा दिया गया दिस इज द फर्स्ट टाइम द टू स्पीसीज एक्सेस्ड सेपरेटली फॉर द आयुशियन रेड लिस्ट यानी ये पहली बार है कि जब दो स्पीसीज जो है एक ही एरिया की दोनों अलग अलग, अलग रेड लिस्ट में असेस की गई उनका असेसमेंट हुआ अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैव द लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी देन एनी अदर मैमल्स ऑलमोस्ट 22 मंथ्स यानी लगभग 22 मंथ का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है दिस कंपाउंड द प्रॉब्लम ऑफ द कंजर्वेशन हैंस दे आर नाउ एडेड एट द क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो ये दोनों लिस्ट याद रखना इस बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड में डिफरेंस ये होता है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो एनिमल्स होते हैं जिसके पिछले कुछ टाइम से पिछले दस सालों में नाइन्टी परसेंट पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी हो ठीक है यानी कम पॉपुलेशन बची है उसको हमें कंट्रोल करना है एंडेंजर्ड में क्या होता है कि उनसे कम पॉपुलेशन यानी लगभग सेवेंटी परसेंट के आसपास का पॉपुलेशन

फॉरेस्ट एलिफेंट की हाइट कम होती है ठीक है वेट भी इसका कम होता है उसका ज्यादा होता है साइज में इसके ठीक है टाइम बिटवीन द प्रेगनेंसीज यानी गेस्टेशन पीरियड पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इसका सिक्सटी ईयर्स होता है ठीक है उसका ट्वेंटी ईयर्स होता है अब उसके बाद में एक अफ्रीका यानी एलिफेंट की कैटेगरी में लोग देखते हैं अफ्रीकन एलिफेंट में ये दोनों हो गई अब उसके बाद में एशियन एल ठीक है तो ऐसे में अफ्रीकन एलिफेंट और एशियन एलिफेंट इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं ये क्वेश्चन कंपैरिजन में पूछा जा सकता है कभी भी ठीक है तो ध्यान रखना एलिफेंट्स की जो खास बात होती है पिछले बार क्वेश्चन में भी आया था ये मेट्रियारकल होते हैं पेट्रियारकल नहीं होते बल्कि मेट्रियारकल होते मेट्रियर्कल मतलब यहां पे जो फीमेल्स होती हैं वो लीड करती हैं यानी जो हेड uh, के रूप में कौन होता है फीमेल्स होती हैं मीनिंग दे लिव इन द फीमेल लेड ग्रुप्स यानी फीमेल जो लीड करती है उस उनके ग्रुप्स को ठीक है और अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स का कंपेरिजन हम लोग देख लेते हैं एक बार ठीक है तो एस्टिमेटेड फोर लाख फिफ्टीन थाउजेंड ठीक है एशियन एलिफेंट्स की संख्या अगर देखो तो फोर्टी थाउजेंड टू फिफ्टी थाउजेंड जिसमें से 80,000 एलिफेंट्स इंडिया में है विद अराउंड 25 परसेंट ऑफ देम इन द कर्नाटका तो हम लोग एशिया में तो हमारे यहाँ एशियन एलिफेंट्स होंगे अफ्रीकन तो होंगे नहीं तो 40,000 से 50,000 के आसपास टोटल पॉपुलेशन एशिया में जिसमें 28,000 जो है इंडिया में है और इस 28,000 का 25 परसेंट के आसपास में कर्नाटका में है तो यानी इंडिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट अगर कहीं पर तो कहां पे है तो कहाँ है कर्नाटक के रीजन में और ये भी क्वेश्चन था लास्ट ईयर ठीक है लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था

वैसे एशियन एलिफेंट में इंडियन सुमात्रन और श्रीलंकन ठीक है ये दो होती है जिसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड कौन सी है फॉरेस्ट वाली और सवाना वाली क्या है एंडेंजर्ड है ये वाली एंडेंजर्ड है साइट्स में ये अपेंडिक्स वन में है और ये भी साइट्स में अपेंडिक्स वन में है एशिया में हमारे यहाँ पे जो लॉ है लॉ है वो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें शेड्यूल वन में है शेड्यूल वन में मतलब आप इन्हें मार नहीं सकते मारते हो तो आपको सजा होगी इसमें अगर आप देखो कि बोथ मेल एंड फीमेल अफ्रीकन एलिफेंट्स ग्रो टस्क यानी इनके पास में जो दांत होता है वो दोनों के पास में होता है मेल और फीमेल दोनों के पास में एशियन में क्या होता है ओनली सम मेल एशियन एलिफेंट्स द टस्क यानी मेल एलिफेंट्स के पास में ही टस्क होते हैं ठीक है फीमेल्स के पास में नहीं होते हैं एशिया वाले में इनमें दोनों में होते हैं देखो दे हैव टू फिंगर लाइक फीचर्स ऑन द एंड ऑफ दीकन एलिफेंट होते हैं फिंगर टाइप के दो आ, पड़ेंगे। जैसे आप देखो यहाँ पर ये अफ्रीकन ये है ठीक है तो इसके आप देखो आगे दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ट्रंक् में दिखाई पड़ रहे हैं इसके में एक ही दिखाई पड़ेगा ठीक है एंड दे हैव ओनली वन फिंगर लाइक फीचर ऑन द एंड ऑफ द ट्रंको एशियन एलिफेंट है इसके अगर आप देखो ये एशियन एलिफेंट है ये अफ्रीकन एलिफेंट है तो अफ्रीकन एलिफेंट के सूंढ़ में आगे अगर आप देखो तो ये जो ट्रंक है इनका इनके आगे आपको दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे होंगे ये इसके में एक ही है ठीक है साइज वाइज जो है वो अफ्रीकन बड़ी है एशियन के कंपैरिजन में इनके टोज़ अगर देखो ठीक है अगर इनके देखो यहां पर इनके 4 टोज़ होते हैं ठीक है अफ्रीकन के 3 टोज़ होते हैं 5 टोज़ आगे फाइव टूज होते हैं और पीछे थ्री टूज होते हैं ठीक है इनकी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा स्ट्रिंक होती है यानी रिंकल्ड स्किन होती है रिंकल रिंकल्स पड़े होते हैं इनकी स्किन उतनी ज्यादा रिंकल नहीं होती है ठीक है इनका जो बैक होता है वो ऐसे अर्क टाइप का होता है उनका जो ऊपर पीठ होती है वो नीचे की तरफ होती है ठीक है एयर डू नॉट कवर द शोल्डर इनके जो कान होते हैं वो शोल्डर को, को कवर नहीं करते बल्कि उनके कान जो होते हैं वो शोल्डर को कवर करते हैं ठीक है ये जो ये कान वगैरह होता है ना यहाँ पे एलेंस रूल अप्लाई होता है ठीक है एलेंस रूल क्या कहता है एलेंस रूल के अकॉर्डिंग जो जानवर जितने गर्म जगह पे रहेगा उसके बॉडी में उसका सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन्स बड़े होते हैं, जैसे कान हो गया नाक हो कान वगैरह हो गए ये बड़े होते हैं तो यहाँ से क्या होता है हीट जो है वो निकलती है बॉडी की ठीक है तो हीट के लिए और जैसे जैसे आप ठंडे जगह पे जाओगे वहाँ पे जो ये साइज़ होती है कान वगैरह जहाँ से हीट निकलती है वो हीट वो साइज़ कम होती जाती है तो जैसे आप इक्वेटर के पास में रहोगे तो यहाँ के जो जानवर होंगे उनके कान बड़े बड़े होते हैं लेकिन पोल के पास चले जाओ तो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनके कान छोटे छोटे होते हैं ये किसने कहा एलन ने कहा और इसी को कहा जाता है एलनस रूल ठीक है ये आ एक आ, आ, बायोड इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट रूल है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गर्म प्रदेशों में जो पाए जाने वाले जानवर हैं या हॉट रीजन में उनके कान बड़े होते हैं वहीं ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं उनके कान छोटे होते हैं तो ये बात सही होती है ठीक है क्योंकि हीट ज़्यादा इनको निकालना होता है फिर हम लोग देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट है अब इसका देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है द रिसेंट शूटिंग ऑफ टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन पाकिस्तान एज लेफ्ट वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट इन राजस्थान शॉक्ड एंड आउटरेज ठीक है तो पाकिस्तान में दो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को शूट कर दिया है लोगों ने ठीक है पाकिस्तान में वाले ऐसे कुछ हैं कुछ भी कर सकते हैं बेवकूफ टाइप के लोग हैं वहां पे ठीक तो जानवरों को मारते रहते हैं तो पाकिस्तान इस धरती पे एक नमूना है कई सारे मामलों में एक दो में, में नहीं कई सारे मामलों में तो देखते हैं हम लोग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्लाई अक्रॉस टू पाकिस्तान डेजर्ट फ्रॉम राजस्थान एंड द फॉल प्रे टू दोचर्स ठीक है ये क्या होता है राजस्थान के मेन उस डेजर्ट रेजिया में रहते हैं बट ये अब वहां इनके जो बर्ड्स हो हैं इनके लिए तो कोई बॉर्डर वगैरह होता नहीं ठीक है तो इनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता तो ये उधर चले जाते तो उन लोगों ने इनको जो है मार दिया द ग्रेट और हालांकि पाकिस्तान के रीजन में भी पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन द वर्ल्ड यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो सबसे भारी बर्ड्स होते हैं जो फ्लाई कर सकती हैं उनमें से एक है इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान राजस्थान का स्टेट बर्ड है हैबिटेट इसका क्या है ड्राई ग्रासलैंड या स्क्रब रीजन में रहते हैं ये और इट इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन नाइन्टी फाइव परसेंट आर फाउंड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ द राजस्थान ठीक है इसका जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो कहाँ पे मिलता है जैसलमेर राजस्थान के रीजन में तो राजस्थान में इसका बड़ा हैबिटेट है टुडे इट्स पॉपुलेशन इज़ कन्फाइंड मोस्टली इन द राजस्थान एंड गुजरात और प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो इनका जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो गुजरात और राजस्थान के रीजन में है तो यानी आप सोचो नाइन्टीन नाइन्टी हमारे यहाँ पर हैं पाकिस्तान में तो एक आध जो गलती से उड़ उड़ के चले जाते हैं तो उनको भी वो मार के खा जाते हैं ठीक है तो ये है स्मॉल पॉपुलेशन ऑल्सो महाराष्ट्र कर्नाटक एंड प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र वगैरह के रीजन में भी कुछ पॉपुलेशन इनकी पाई जाती है बट मेनली राजस्थान में है आयुषियन स्टेटस अगर इनका देखा जाए तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ठीक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स साइट्स की अपेंडिक्स वन में है हमारे यहाँ पे डब्ल्यू पी ए में यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में शेड्यूल वन में है यानी आप इन्हें मार नहीं सकते हो ठीक है थेट्स इनको थ्रेट्स है थ्रेट्स कैसे यानी इनको लॉस कैसे हो रहा है इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है इनकी हंटिंग हो जा रही है और मोर्टेलिटी ड्यू टू द कोलिजन विद द पावर लाइन्स दे हैव अ पुअर फ्रंटल विजन ठीक है और मोस्टली इनकी जो मोर्टेलिटी ये मरते हैं कैसे कि हमने पावर लाइन्स बिछा रखी है और इनका फ्रंटल विजन बहुत अच्छा नहीं होता है तो ये जाकर के वायर से टकरा जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर से टकरा जाते हैं और मर जाते हैं ठीक है तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनके साथ में कि ठीक तो जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है तो कोलिजन विद द पावर लाइन्स दे हैव पुअर फ्रंटल विजन इनका फ्रंटल विजन बहुत ज़्यादा नहीं होता है हैबिटाट लॉस होता है इनका इनकी हंटिंग भी होती है तो ये कुछ रीजनस हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिग्रीज हो रही है देखो पिक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा दिस इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जी आई बी इट इज द स्टेट एंड स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है ठीक है तो ये चीजें याद रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंपॉर्टेंट है न्यूज में भी है तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में फिर हम लोग देखते हैं ब्लैक बक ब्लैक बक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है ठीक है और ब्लैक बक न्यूज में भी था सलमान खान ने इसी को मारा था जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई थी ठीक है बिस्ोई कम्युनिटी हमारे यहाँ पर बिस््नोई कम्युनिटी इसको बहुत इसके रिस्पेक्ट यानी इसको भगवान के पूछते हैं इसकी पूजा करते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या है ये कॉन्टेक्स्ट क्या है ओडिशा ब्लैक बग पॉपुलेशन है लास्ट सिक्स ठीक है अब आप देखो ओडिशा ने क्या किया अपने यहाँ पे जो ब्लैक बग पॉपुलेशन है उसको डबल कर दिया यानी जितनी पॉपुलेशन उनके छह साल पहले थी उसको उन्होंने डबल कर लिया तो यानी इनका जो कंजर्वेटिव मेजर्स है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है ठीक है तो इन्होंने इसको डबल कर दिया द इंडियन एंटीलोप और द ब्लैक बॉक इज द नेटिव टू द इंडिया नेपाल और ये जो इंडियन एंटीलोप है यानी हिरन की प्रजाति ये इंडिया और नेपाल की नेटिव है इंडिया और नेपाल के रीजन में पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसे लोकली हम लोग क्या बोलते हैं कृष्ण सारा मुर्गा आ, मुर्गा ठीक है मुर्गा 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 होता है मतलब ये इंग्लिश में लिखा जाता है मृग जो होता है ना मृग ठीक है मृग मतलब हो क्या होता है हिरन ठीक है तो हिरण की प्रजाति है तो कृष्णारा कृष्ण सारा मृग ठीक है कृष्ण सारा मृग बोलते हैं इसको इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के रीजन में इन जगहों पर पाया जाता है और ये जो ग्रासी प्लेन रीजन होते हैं यानी जो घास वाले प्लेन रीजन होते हैं उसमें रहते हैं और ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर साल्वर पानी मिलता रहे ठीक है वाटर सोर्सेस हो वहां पे उस जगह पे मिलते हैं ठीक है तो इनको थ्रेट्स क्या क्या है इनके स्टेटस देख लेते हैं एक्सेसिव हंटिंग इनका बहुत ज्यादा हंटिंग होता है ठीक है जो सीधे साधे जानवर जो होते हैं जैसे हिरन है इन सबको लोग मार देते थे डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट कम हुआ डिग्रेडेशन हो गया तो इस वजह से इनकी प्रॉब्लम मतलब ये इनकी संख्या कम होने लगी समैक बर्ग्स आर किल्ड इलीगली स्पेशली वेयर द स्पीसीज इज सिंपेटिक विद द नील गाय ठीक है और कई बार जब है इनको नील समझ के बहुत, बहुत सारे लोग मार डालते हैं ठीक है नील समझ के मार देते हैं और इलीगल इनकी क्लिक हो जाती है ठीक इनका स्टेटस देखते हैं अगर कंजर्वेशन स्टेटस तो आई रेड लिस्ट में ये लिस्ट कंसर्न है ठीक है इंडिया में डब्लू में अगर देखा जाए तो ये क्या है शेड्यूल वन में है और साइट्स के अपेंडिक्स से थर्ड में है ये ठीक है तो इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है ये इम्पोर्टेंट uh, एनिमल है और इसका इंडियन कल्चर के साथ में भी कई जगहों पर इसको हम लोग देखते हैं इनका एसोसिएशन है इट हैड बीन सोर्स ऑफ द फूड इन द इंडस वैली इसको फूड के फॉर्म में यूज करते थे the, uh, इनकी जो हड्डियां हैं वो धोलावीरा और मेहरगढ़ के प्लेसेस से मिली हैं तो यानी ये एंसियड में जो हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन है उस टाइम पे भी हमें देखने को मिलते थे ठीक है बट इज रूटीनली डिपिक्टेड इन द मिनियचर पेंटिंग ऑफ द मुगल एरा और मुगल एरा के जो पेंटिंग्स हैं उसमें भी इनको देखने को ये भी देखते हैं जैसे ये देखो आपको ये मृत दिखाई पड़ रहा है ठीक है तो ये पेंटिंग है, तो है कहाँ का ये लेपाक्षी मंदिर है ना लेपाक्षी टेम्पल तो लेपाक्षी टेम्पल के पिलर में ये इसको डिपिक्ट किया गया है इट वॉज इट इज डिपेक्टेड इन द पिलर ऑफ द लेपाक्षी टेम्पल ठीक है तो लिपाक्षी टेम्पल यानी कल्चर से भी इनको रिलेट कर सकते हैं ट्राइब सच एज बिस्ोई रिवर्स रिवर ब्लैक बग बिस्नोई कम्युनिटी जो है ये इसका एसोसिएशन इनसे है तो कल्चर से भी इनका लिंक होता है हमारे और देखो अरबंग अकबर जो है वो हंटिंग करते हुए पिक्चर उनका यानी ब्लैक बक्स का हंटिंग कर रहे थे तो ये जो राजा वाजा थे ना ये जो है हंटिंग वगैरह करते थे तो जानवरों को मारते थे ये लोग तो ये तो गलत बात होती है हंटिंग नहीं होनी चाहिए ठीक है पहले भी नहीं होनी चाहिए थी अब नहीं भी नहीं होनी चाहिए बट पहले डेमोक्रेसी नहीं थी रूल वगैरह थे नहीं तो ये लोग जो है हंटिंग करते थे ठीक है तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में ठीक है थैंक यू सो मच